अच्छा मुझे ना ये रोक रहा है बार बार आगे जाने से। सही करना पड़ेगा यार इधर। चल चल इधर। अभी अंडे नजर नहीं आ रहे, शायद ऊपर बैठा ना हो यार। उठा के देखो हम सुठना कितने इन्होंने। वाकई वो झील में तले अंडा अंडे काफी लगे। ये छोटा इनक्यूबेटर है और ये बड़ा, ये भी चल रहा है। और इसमें बड़े लोग यार बड़े क्वेश्चन करते हैं खाने पीने के डाइट शील भाई। यार बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि ये किस जगह फार्म है। ये है जी इंटरचेंज, मोटरवे इंटरचेंज जो लाहौर को जाता है, और ये पुल थोड़ा सा चढ़ के साथ ही जो इस्लामाबाद को मोटरवे जाता है। ये मोटरवे इधर से सीधा निकले, अगर आप आ रहे हैं इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो इधर से निकलेंगे बाहर, अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो वो सामने से बाहर निकलेंगे। और ये कब्रिस्तान है और इसके साथ ये गली है। अभी मैं थोड़ा सा इन होके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आएंगे ना, सीधा आपने इधर से निकलना मोटरवे से और ये रोड है। यहाँ पे अंदर जाना है तो बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके तो फार्म हाउस आ जाना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हैं भाई पट्टी यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अभी अभी मैं पहुंचा हूं जो अपने शुतुरमुर्गों के पास और आप लोगों को दिखाते हैं आज की एक्टिविटी। इनके बच्चे भी आए हुए हैं, अंडे भी आए हुए हैं, सब कुछ आप लोगों को आज दिखाते हैं। बाकी अभी यार ये देखे, ये तो पहले ही भाग के आ जाता ना। इधर आ जा, आ जा आ जा आ जा मेरे पास आ यार। बाकी भी यार ये देखें फीमेल सारी छाँव में खड़ी हैं। बाहर धूप है आज कुछ ज़्यादा तो इसलिए यहाँ पे छाँव में खड़ी है। यहाँ पे उन्होंने अंडे देने होते हैं, यहाँ पे वो चल के देखो कि कोई बैठी हुई है, मेल बैठा हुआ है उधर। अच्छा ये जगह जो यहाँ पे मेल बैठा हुआ है ना, ये है वो जगह जहाँ पे ये अंडे देते। अच्छा मुझे ना ये रोक रहा है बार बार आगे जाने से। तेरी खैर मारने लगा था ये ना उनकी तरफ देख। ये तो उधर जाने भी नहीं दे रहा भाई, बड़ा खतरनाक हुआ हुआ इस टाइम। और मैं कुछ नहीं करता यार, कुछ नहीं करता भाई, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। इसको डंडे से ही करना पड़ेगा यार इधर। चल चल इधर। चल भाग जा। ये तो बड़ा ही खतरनाक हुआ हुआ है। अच्छा यार ये रहा जी वो जगह जहाँ पे ना ये बैठे होते हैं, ये इस जगह पे वो जाके बैठते हैं और अंडे देते। अभी अंडे नजर नहीं आ रहे, शायद ऊपर बैठा ना हो यार, ये उसके ऊपर ना बैठा हो, अंडों के ऊपर मुझे लग रहा है कोई बैठा है। हाँ जी उठ के दिखा यार। अभी इधर होके देखूंगा वो देखे बड़े मजे से बैठा हुआ यार। ये चेक करें देखिए। ये मेरे ख्याल में अंडों के ऊपर बैठा हुआ है अभी। अभी यार यहाँ पे अंडे नजर नहीं आएंगे तो आप लोग इधर से ना मैं दिखाता हूँ। ये तो खतरनाक हुए हुए हैं यार इस टाइम बहुत ज्यादा। ये चेक करें यार, ये था वो जो मेरे ऊपर हमला कर रहा था। चल भाग जा, तेरे को इधर नहीं आना। चल चल इसकी ये आइज के ऊपर करो ना कुछ, ये आइज के आगे तो ये फिर डरते हैं, बाकी वैसे नहीं डरते। उनको ये होता है कि आज पे कुछ मार रहे हैं। हाँ जी अब मैं नहीं जाता यार, मैं नहीं जाता, अंडे नहीं उठाता तेरी मेहरबानी। बाकी दोस्तों ये जो नजर आ रही है ना आपको ब्राउन कलर की, ये सारी फीमेल है। ये देखें ये नीचे बैठ गई है और ये फीमेल है सारी, ये जितनी आपको नजर आ रही है ब्राउन कलर की। और ब्लैक कलर के मेल होते हैं और ये जब अंडा देती है, अभी अंडा देने के लिए ना वैसे बैठी हुई है। तो ये सारे जो फीमेल्स हैं ना, ये आजकल माशाल्लाह ब्रीडिंग सीजन है, अंडे शंडे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और मगर इस ब्रीडिंग सीजन में जो मेल होते हैं ना बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, इनसे ज़रा दूर हट के रहना चाहिए। बाकी अंडे भी उठाने जाएं तो वो बड़े ध्यान से। अभी आप मैं गया था, आपने देखा कि वो मुझे मारने के लिए दौड़ा था। तो बाकी यार यहाँ पे
ब्रीडिंग सीजन में इनके पास भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि बड़े अग्रेसिव हुए होते हैं, खास तौर पे मेल। और यार दोस्तों, हमारे पास ना तकरीबन 50 से ज़्यादा ये ऑस्ट्रिच हैं, जिसमें ज़्यादा फीमेल्स हैं और मेल हैं, कम से कम 10 मेल हैं, बाकी जितनी हैं सारी फीमेल्स हैं। और ये बड़ा अच्छा मामला ब्रीडिंग सीजन में, अंडे शंडे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और हमारे पास शकील भाई भी आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, आज तो बड़े पप्पू बच्चे बने हुए हो, खैर है? भाई ये बड़े अग्रेसिव हो ने, की वजह है जड़े ने मेल ना ब्रीडिंग वाले जब दिन आते ना तो ये फिर किसी के नहीं बनते। मैं डेली इनको फीड डालता है, मैं अंडे कलेक्ट करता हूँ, यकीन करे वो देखे अभी भी डंडा अंदर है। ओहो, तो बड़ी मुश्किल से भाग के अंडे कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर ये किसी के नहीं देखते, बड़ा अटैक कर देते हैं। लेकिन ब्रीडिंग वाले दिनों में ना खास तौर पे मेल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेल बड़ा अटैक करते हैं। जब फीमेल अंडे दे देती ना, मेल उसकी रखवाली करते हैं, रखवाली करने के बाद जब हम अंडे कलेक्ट करने जाते हैं ना या हम अंदर जाते हैं तो यकीन करें बड़ा अटैक करते हैं। अगर छोटे ना लगी हो तो बांस लगे हो तो हमें डेली इतनी टांगे पड़े कि हम आगे पीछे भागे। अच्छा, इनकी शेल भाई जो टांग पड़नी है, हम लोगों ने इधर भी नहीं रहना, टांग मारते ही कितनी हाइट पे है इसके ऊपर इसकी टांग लगती है। निगरानी ते बैठे होया है। एक टाइम फीमेल बैठती है, एक टाइम मेल बैठता है। अच्छा, फीमेल ने अगर खाना पीना होए, दाएं बाएं जाना होए ना तो मेल हो, यानी कि जिवें कुकड़ी कुड़क हो जांदी है इस तरह। इस टाइम मेल अंडे बैठ अंडे दे उत्ते बैठा है, नहीं मैं बारो इंजन जाओ, बादशाह सलामत बड़े खतरनाक है। बादशाह सलामत बड़े सलामत अटैक करन दे। चलो शकील भाई अंडा वेखिए चल के है भी है कि नहीं, उठा के वेखो। हां ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਡਾ ਪਿਆ, ਕੰਡਾ ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਕੰਡਾ ਪੜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ, ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, चूंज के साथ जो है ना अंडा शकील भाई कर रही है ना, वो देखे उसको किधर लेके जा रही है, वो फिर नीचे आ जाता है। ये देखिएगा चूंज के साथ ये ऊपर करेगी। शील भाई ध्यान नाल, बादशाह सलामत आ रहे ने। वाह जी वाह, ओ कुकड़ तुहानू मैं तो मेरे को तुहानू, शील भाई मुर्गा तुहानू अटैक करन दी खा रहा, ओ देखो ये कहंदा मेरे अंडे दे कोल ना आओ। मैं भी जरा डर डर के आ ही गया यार। वाह जी वाह शकील भाई, ये अंडा है, ए क्यों पहला पा रहे है? बाकी शकील भाई अंडा देखो चुक के के। अच्छा मैं देखा गरम गरम, ओ भाई ओए होए होए, वाकई गरम हुआ सी, कौन आ गया?
ये देखें दोस्तों गरम गरम अंडा तेरी है। ये देखें फ्रेश फर्टाइल अंडा, हाँ फ्रेश फर्टाइल माशाल्लाह अंडा यार, ये चेक करें नया। और अभी ये ना मेल आ गया ना तो हमें दौड़ भी लगानी पड़ सकती है। रख दियो इत ही। ओ जैन तू बाहर हो जा, ऐ हिंदी वाला नहीं है, हिंदी वाला सारा गंजा है, वो होता ही है। ये तो बादशाह सलामत ने जेड़ा तेरे दिवाले हो जांदा है जैन, तेनू इन्होंने बड़ा मुश्किल देना ना, अगे तू होना ना तेरे दिवाले हो जांदे ने, तू बाहर ही रह, तेरा तेरा तेरी मेहरबानी भाई साडे ते हमला करवा दे। अच्छा दोस्तों यार अभी अंदर आया हूँ और इनक्यूबेटर एक तो ये चल रहा है, आपको दिखाया था कि यहाँ से देखिए अंडे शंडे काफ़ी लगे हैं, ये छोटा इनक्यूबेटर है और ये बड़ा, ये भी चल रहा है और इसके अंदर से अब बच्चे भी निकले हुए हैं माशाल्लाह, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। बाकी ये देखिए यार अंडे शंडे तरतीब से लगे हुए हैं और अभी आपको मैं बच्चे भी शो करता हूँ, कुछ अंडे ये पड़े हुए हैं, कुछ अंडे जो फ्रेश आते हैं, आपको पहले भी बताया कि वो हम लोग यहाँ पर रखते हैं थोड़े देर के लिए, एक दिन के लिए या दो दिन के लिए, फिर यहाँ से उठा के फिर हम इसको इनक्यूबेटर में रखते हैं। अभी मैं आपको चूजे दिखाता हूँ, कितने प्यारे प्यारे क्रिएटर के, ये देखे फैजल देखे यार कितने प्यारे प्यारे। अच्छा दोस्तों ये एक नहीं है, ये देखे और भी है माशाल्लाह, ये मैं भी दिखाता हूँ यार, ये न्यू बॉर्न बेबी है, अभी ये छोटे हैं इसलिए नीचे बैठे हुए हैं, ये ना समझे एक है, ये देखे माशाल्लाह तीन बच्चे ये है, तीन चार बच्चे अभी हमने हैचर में रखे है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई पांच सात दिन के बाद एक बैच हमारा नया आ रहा है अंडों में से बच्चे निकलने वाला, उसका बैच का भी माशाल्लाह कोई तकरीबन 35 डेज हो गए हैं तो वो भी माशाल्लाह बच्चे निकलने वाले हैं। अच्छा इकट्ठे बैठने का मकसद ये था कि बड़े लोग यार बड़े क्वेश्चन करते हैं खाने पीने की डाइट, शील भाई डाइट के बारे, कुछ खान पीन के बारे, कुछ इन्होंने परहेज के बारे। इसमें ना दोस्तों पांच सात चीजें हैं जो सी वो आपने बिल्कुल परहेज करना है। सबसे पहले आपने इनको कच्ची जगह देनी है, दूसरी इनको हार्ड जगह नहीं देनी, तीसरा ये कि इनको जबरदस्ती ना खिलाएं, थोड़ी सी फीड मिकदार में दें, जो इसने खुद ही खा लेनी ना वो ठीक है, अगर नहीं खाते तो आपने एक सिरिंज में थोड़ी सी फीड लेनी है, पानी में मिक्स करनी है, वो इसको खिला देनी है, उसके बाद आपने पानी भी पिलाना ना वो भी इंजेक्शन से पिलाना है, इसके अलावा आपने जो विटामिन पिलाना है वो भी इंजेक्शन से, उसके अलावा भी आपने इसको कच्ची जगह पे छोड़ देना है थोड़ा सा एरिया बाउंड्री बाद कवर करके, ताकि उसका जगह के अंदर है उसके अंदर ना कोई प्लास्टिक की चीज हो, ना केन लोया रबर शापर कोई चीज ना हो, जो भी चीज इसके पास होगी ना ये अंदर खाने की कोशिश करेगा निकलेगा। ये चीजें दोस्तों जो इससे आप कवर कर सकते हैं। अभी ये देखिए ये वाला चूजा ना तो बाहर इसको परी हुई है कि मैं जल्दी जल्दी से भाग जाऊं। अभी ये दोस्तों ये देखिए हमने नीचे छोड़ते ना तो धीरे धीरे तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी इसको ना कवर चीजों का रखा हुआ है कि यार बास्केट के अंदर रखे हैं ताकि इसका ना प्रॉपर तरीके से प्लान कर सके। अच्छा दोस्तों वो जो बच्चा था ना वो था एक महीने का तो इसलिए ज्यादा एक्टिव था, ये 10 से 15 दिनों के बच्चे हैं, ये थोड़े से आपको पता छोटे हैं तो इसलिए ज्यादा वो एक्टिविटी नहीं कर रहे। अभी ये तो ये 5 दिन के बाद देखना उससे भी अगले भागे तो रहेंगे। शुरू में दोस्तों इनका टेम्परेचर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अभी ये देखिए हमारी मशीन के अंदर जो टेम्परेचर है ना वही टेम्परेचर हमने इनको दिया हुआ है, अभी इनको फीड वाली खिला के ना हमने मशीन के अंदर छोड़ देना है। जो भी बच्चे परचेज करना चाह रहे ना वो डे वन का चूजा या 10 दिन से नीचे चूजे ना ले, वो बड़ा कवर एरिया होता है, उसके लिए टेम्परेचर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हमारे पास तो इनक्यूबेटर मशीनें लगी हुई है, हमें इसको टेम्परेचर मेंटेन करने में बड़ी आसानी होती है। आप जब भी चूजा लें 15-20 दिन वाला या महीने वाला चूजा लें ना उससे ये होगी कि ग्रोथ बेहतरी होगी, टेम्परेचर से मेंटेन किया होगा उसको बाहर आके खाना पीना शुरू करेगा। अच्छा स्किल भाई एक सवाल है कि अगर 15 दिनों तो बाद वाला बच्चा भी हो नहीं उसको भी टेम्परेचर में रखते हैं, लेकिन ये है कि उसको ये राइट लेफ्ट ये ओपन हो जाते हैं, इसके ये ऊपर वाले न्यू माशाल्लाह कितने क्वीट है ये वाले देखे ये फैदर ओपन हो जाते हैं, प्लस वो बाहर आके ना बर्दाश्त करने के समय एक बंदा स्कर्दू से मैसेज कर रहा था कि यार उधर सर्दी होती है तो सर्दी में सर्वाइव कर देते हैं। जी सर्दी होती है लेकिन उसको चाहिए कि एक इतना बॉक्स ले उसके अंदर दो तीन बल्ब लगाए, एनर्जी सेवन नहीं लगाने खाली वो दूसरे बल्ब लगाने पीले रंग के होते हैं रेड कलर के आने, वो तीन बल्ब लगाते हैं वो बॉक्स के अंदर इसको जगह दे दें, डेली उसकी सफाई करें उसके अंदर फीड पानी दें, सर्दी है चाहे जो भी है तो आप देखिएगा माशाल्लाह एक महीने के बाद उसकी ग्रोथ, उसके बाद खुला छोड़ दे ओपन भागे दौड़े जहाँ मर्जी हो उसकी वो प्रोडक्शन इसकी। अच्छा भाई सुन ले सर्दी में भी सर्वाइव करता है मगर उसको ना टेम्परेचर आपने लाजमी देना उसके अंदर जहाँ पे रखे बल्ब शल्ब लगा के रखे ताकि यार वो थोड़ा सा टेम्परेचर में रहे। जब भी आप चूजे परचेज करें ना कोशिश करें सर्दियों में ना किया करें, सर्दियों में इसका ये होता है कि यार जब पीक पे सर्दी होती है ना
ये नवंबर दिसंबर दिन वाले, तो यार वहाँ पे चूजों का केयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए आसानी है, हमारे लिए टेम्परेचर ना, ये हमारे पास इंक्यूबेटर मशीनें लगी हुई है। आप जब भी परचेज करें ना, जब मार्च में यहाँ मौसम थोड़ा बेहतर होता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ तक मौसम बेहतर होता है, गर्मी में तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। गर्मी में ये बच्चे बेहतर रहते हैं क्योंकि अंदर की हीट और बाहर की हीट ना माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं, जिस भाई को ये बच्चे चाहिए हॉस्टल के व्हाट्सएप हमसे रब्ता करें। हमारा चैनल है पाकिस्तान पोस्ट्री फार्म ब्रांड यूट्यूब चैनल है और व्हाट्सएप आपका। अच्छा यार एक और चीज भी मैं गाइड करता चलूं, ये बच्चे देख ले कितनी एज के हैं, हमारे पास इतनी एज के बिक जाते हैं और लोग पूछते हैं यार महीने का करके दे, दो महीने का करके, इतना टाइम ही नहीं मिलता, लोग उठा के ले जाते हैं। बड़ा यकीन करें, दो दो महीने पहले लोगों ने पेमटे कराई है आउट ऑफ कंट्री से, और अभी भी वो जी भाई देख रहे हैं जिनको पेमटे करवाई हुई है आज की डेट की, यकीन करें ये चूजे उनके हैं, उन्होंने मुझे पेमटे करवाई हुई है, उनको अनकरीब दो तीन दिन के अंदर दे देंगे ताकि इसका टेम्परेचर बेहतर करने के लिए ना, जस्ट इसलिए रोका हुआ, वो तो बड़े जल्दी कह रहे हैं कि हम लेने के लिए। ऐसे दोस्तों बड़े दोस्त कहते हैं यार हमें चूजे दे, यार ये एडवांस बुकिंग पे बुक हुए हुए चूजे हैं, हमारे पास तो इतने इतने होते हैं, लोग उठा के ले जाते हैं। दोस्त कहते हैं जी महीने का चूजा दे, महीने का कोई महीने का नहीं मिल रहा यार, हमसे पांच पांच दस दस दिन के पंद्रह दिन के चूजे उठा के लोग ले जाते। जिस भाई को चाहिए वो एडवांस बुकिंग करवाए, हमें पता होगा इसने लेने हैं तो उसके चूजे हम लोग रखेंगे, ऐसे चूजे नहीं मिल रहे आप लोगों को। बड़े दोस्त मैसेज करते हैं भाई साहब, अगर किसी ने देखना हो ना चूजों के वाले से तो उनको बताए कि हमारे चैनल पे जाए तो वहाँ जाके। अच्छा दोस्तों हमारे शकील भाई का चैनल है पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म ब्रांड, इस नाम से चैनल आया, यहाँ पे भी आपको इनकी पूरी डिटेल और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी भाई का चैनल तो आपको पता ही है पट्टी यूट्यूब चैनल, हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और यार इस किस्म की वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल पे जाएं, मजा भी आएगा, मस्ती भी होगी, फन भी होगा और सारी चीजें आपको। और दूसरा ये है कि नकलों से होशियार रहे साहब, अक्सर मार्केट में बंदे जो ब्रोकर ना वो कहते हैं हमारा फार्म है हम चीजें लेके आएंगे, भाई ये किसी का फार्म नहीं है, आपके सामने मैं बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म है, हमसे डायरेक्ट चूजे ले, आप जब ब्रोकर को अंदर इंटर डालते ना तो वो आपको रेट भी कॉस्टली प्राइस में बताएगा, तो फिर वो फायदा भी नहीं होगा। अच्छा दोस्तों लास्ट दिन ना एक दोस्त की कॉल आई, उसने ना ये चूजे खरीदे हैं कहीं और से और काफी महंगे खरीदे हैं, ब्रोकर की वजह से गए हमारे पास से हैं मगर खरीदे उन्होंने बाय नाम नहीं बताएंगे, बताएंगे जो तो भी है मार्केट है जो भी मर्जी परचेज कर सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप हमारे चैनल पे जाएं वहाँ विजिट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जाके, वहाँ से आपको काफी इन्फॉर्मेशन और काफी चीजें ना आपको सामने मिलती जाएंगी। आप ये देखिए हमारे पास ये दिखाएं, ये देखिए कितने बड़े लगा हुआ है, ये लगा हुआ भाई यार, एक उस तरफ दिखाए उसमें भी अंडे हैं, मशीन चल रही है ये देखिए, और ये वाली भी दिखाएं भाई जान इसको, और ये मशीन भी दिखाएं, ये देखें दोस्तों हैचर है, नीचे अंडे भी दिखाएं यार, उधर भी अंडे पड़े हुए हैं वो देखिएगा, ये भी अंडे पड़े हुए हैं, इधर भी लाके दिखाएं भाई भाई के दोस्तों को, सभी को चीजों का पता चल सके यार, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने लिखे 24 आवर देखिए एसी चलता रहता है भाई। पाकिस्तान में एक ही फार्म है पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म जहाँ पे ये चीजें मिलती हैं, और कोई फार्म नहीं हमारे अलावा, हमारी कोई ब्रांच नहीं, हमारी कोई ब्रांच नहीं, और जितने चूजे जाते हैं हमारे पास से जाते हैं, होलसेल भी जाते हैं, लोगों के घरों में भी वही प्राइस पे जाते हैं, और जिस भाई को चूजे चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इनके लिए ना दो बंदों के लिए व्हाट्सएप बड़ी खुशियां रहता है, एक जो स्टूडेंट होगा और दूसरा ये होगा कि जो अभी मसलन काम नहीं कर रहा होगा लेकिन उसको शौक है परिंदों के ना, पेट के हवाले से शौक है, हम चाह रहे हैं यार वो भी हमारा भाई है, लेकिन उसके लिए भी हम कमी पेशी करेंगे, वो भाई को डिस्काउंट को स्पेशल देंगे, उसको पता चलेगा कि भाई दूसरों को क्या रेट था और मेरा क्या रेट है, ये स्टूडेंट ऑफर है यार स्टूडेंट्स को, और जो जो और जो फैमिली मेंबर ना जिसमें छोटे बच्चे हैं जो कहते हैं यार हम बड़ा खेलना चाहते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं फैमिलियों के, यार उनके लिए भी स्पेशल ऑफर होगी, ये चूजे हम उनको भी स्पेशल ऑफर में देंगे रेट मार्केट से कम, और उनको पता चलेगा कि यार वाकई भाई ने डिस्काउंट दिया है। दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं, अब तक के लिए इजाजत दें, शकील भाई का चैनल है पाकिस्तान ऑस्ट्रिच ब्रांड और मेरा चैनल है ओए पट्टी यूट्यूब चैनल, इनको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगला फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय, ले ले पप्पी करो, शाबाश चले।